जब घाव से खून ना निकले तो समझ लेना कि यह घाव अपनों ने ही दिया है। किसी मुर्दे ने क्या खूब कहा है, जो लोग मेरी लाश पर रोते हैं, अभी उठ जाऊं तो लोग जीने नहीं देंगे। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं, आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही निकल जाते हैं। वह दौर है साहब, जहां इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जीते जी कौन करता है कद्र किसी की, यह तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। संभल कर चल ए इंसान, यह नादानों की बस्ती है, यहाँ तो रब को भी धोखा दे देते हैं तो तुम्हारी क्या हस्ती है। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ जाते हैं ना, तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता है। जिंदगी में सबसे बड़ा सबक मीठा बोलने वालों से ही मिलता है। बड़ी अजीब कसमकस है जिंदगी में, झूठ बोलो तो रब नाराज हो जाता है और सच बोलो तो अपने ही नाराज हो जाते हैं। गीता और कुरान कभी आपस में लड़ते ही नहीं हैं, इनके लिए वही लड़ते हैं जो कभी वह पढ़ते नहीं हैं। बेजान चीज़ों को गलत करने के तरीके कितने आसान होते हैं, लोग छुप छुप कर सुनते हैं और कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। ऐसा कहता है कि रोज़ रोज़ नए तरीके से इंसान बना लेता हूँ और पुराने और सच्चे रिश्ते को बिगाड़ देता हूँ। इंसान कभी भी भीड़ में नहीं खोता है, इंसान जब खोता है वह अकेला ही रहता है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता है। लाश को शमशान में रखकर लोग पूछते हैं, अभी कितना वक्त लगेगा। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह नहीं चाहते हैं कि मेरे से आप बेहतर करें। मरने वालों के लिए रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाले एक भी नहीं मिलेंगे। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा हुई तो काबिल बनाकर छोड़ेगी। मजबूत होने में मज़ा तब है जब सारी दुनिया कमज़ोर होने पर तुली है। बहुत दूर जाना पड़ता है इसलिए कि सारी दुनिया मेरे कितनी नज़दीक है। उड़ा देती है कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात को जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। अंदाजे से ना नापिए किसी इंसान की हस्ती, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। मेरे शब्दों को गौर से इतना ना पढ़िए जनाब, कुछ भी याद रह गया मुझे भुला नहीं पाओगे। धन्यवाद, नमस्कार।